तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे जिनका इंतजार था वो आया है। मुनाफा देखिए 560 करोड़ है और इसके बाद शेयर में एकदम से तेजी देखने को मिल रही है। 5% का जोरदार उछाल पंजाब नेशनल बैंक में पहला फिगर आया है अभी मुनाफे का 560 करोड़ का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 450 करोड़ की फिगर जो है पंजाब नेशनल बैंक रिपोर्ट करेगा और 12 अकाउंट के लिए अतिरिक्त प्रोविजनिंग का भी खतरा था, लेकिन ये जो बॉटम लाइन आई है ये अनुमान से थोड़ा ज्यादा इस समय दिखाई दे रही है। और जानने की कोशिश मैं ये करूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में करना क्या चाहिए, क्योंकि एक तरफा चाल इस सीरीज में पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में देखने को मिली है। मुनाफा अनुमान से बेहतर है पहले टेक में। ग्रॉस एनपीए 13.3% है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 13.9% के आसपास के ग्रॉस एनपीएस निकल के आएंगे। अंचल मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अंचल, ये जो पहली फिगर आई 560 करोड़ की, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है रजत, सारे पैमानों पर नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। वो आप एनआईए की बात करें, 4020 करोड़ आई है जबकि अनुमान लगाया जा रहा था करीब 3900 करोड़ की एनआईए का, 160 करोड़ बेटर आई है। वो अपने आप में पूरे नंबर्स को सुधार रही है। एक अच्छी चीज़ और है, देखिए अगर मैं नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस दोनों ही लेवल्स पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीएस 13.31% पे रहे 13.66% के मुकाबले, नेट एनपीएस 8.44% पे रहे 8.67% के मुकाबले। अब इकलौती जो चिंता थी वो थी प्रोविजनिंग की, इस बारी जो हम बात कर रहे थे बार बार कि कहीं अतिरिक्त प्रोविजनिंग ना की जाए, तो अगर आप प्रोविजनिंग की बात करें 2440 करोड़ की इन्होंने प्रोविजनिंग की है। अगर अपना अनुमान देखें 2400 करोड़ का था, तो जो 450 करोड़ का एस्टिमेट बन रहा था ना रजत, उससे बेहतर इसलिए रहा मुनाफा क्योंकि एनआईए अच्छी रही, प्रोविजनिंग बैंक ऑन टारगेट थी, कोई एडिशनल प्रोविजनिंग नहीं की गई और बेटर एनआईए ने बॉटम लाइन को भी सपोर्ट दिया। एक अच्छी चीज ये थी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेजेक्ट्री है वो कायम है। अब बस क्रिटिकल हो जाएगा मैनेजमेंट कमेंट्री में वो क्या कहते हैं, किस तरह से इन 12 अकाउंट्स की प्रोविजनिंग होगी अगर उन्हें करनी है। अगर वो ऑलरेडी अपनी बुक्स में कर चुके हैं तो यहां से पीएनबी के नतीजे और स्ट्रांग हो जाएंगे रजत। चलिए अविनाश गोरखशंकर साहब ऐसे ऐसे मौजूद हैं। अविनाश नमस्कार, आपको कैसा लग रहा है जो मुनाफे की फिगर है 560 करोड़ रिपोर्टेड आई है इस बार मुनाफे की फिगर पंजाब नेशनल बैंक में, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पे? ना आई थिंक रजत, नंबर्स तो मार्केट के उम्मीद से काफी अच्छी आ गई है। मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली एसेट क्वालिटी बट जो प्रोविजनिंग है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम आई है, क्योंकि अंदाजा था कि थोड़ी सी ज्यादा प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में भी आएंगी 12 अकाउंट के लिए। एनआई का ग्रोथ और एसेट क्वालिटी का कंट्रोल बैंक ने काफी अच्छा किया है। अभी स्लिपेजेस का नंबर पता नहीं है, लेकिन स्लिपेजेस का नंबर भी करीबन अगर 6000 करोड़ के करीब आता है तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 6600 करोड़ के स्लिपेजेस आए थे। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि वो पीएनबी प्रिंसिपल फंड से डाइवर्ट करेंगे, पीएनबी हाउसिंग से भी थोड़ा पैसा जुटाएंगे, तो कितना पैसा यहाँ से आएगा वो मार्केट्स कीनली वॉच करेगी। और ऑब्वियसली आगे का जो मैनेजमेंट की ग्रोथ कमेंट्री रहेगी स्पेशली लोन बुक और एसेट क्वालिटी पे, वो स्टॉक को मेरे ख्याल से आगे डायरेक्शन देगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ संजीव जैन जी इस समय मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, आपके हिसाब से ये एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है पंजाब नेशनल बैंक की, और यहाँ पर क्या अब तेजी बनेगी स्टॉक में, करना क्या चाहिए? नमस्कार रजत जी, देखिए अगर साइंस एसी नंबर को देखें तो काफी उमदा नंबर पीएनबी का लग रहा है मुझे। अपनी जो प्रॉफिट की अनुमान था हमारा जो 360 करोड़ के आसपास का अनुमान था, जो अनुमान से काफी बेहतर नंबर आए हैं पीएनबी के। और देखिए प्रोविजनिंग के फिगर को देख के एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि देखिए प्रोविजनिंग अराउंड 4% से वाईओवाई लेवल पे और 6% से क्यूक्यू लेवल पे कम हुई है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि एसेट क्वालिटी का कंसर्न थोड़ा कम हुआ है। आप अगर ग्रॉस एनपीए का भी फिगर देखें तो अराउंड 35 बेसिस पॉइंट से पीएनबी ने अपने एनपीए पे ग्रॉस एनपीए को भी सुधारा है, तो ऐसा लगता है कि लुक एसेट क्वालिटी का थोड़ा कंसर्न कम हुआ है। हालांकि अभी स्लिपेजेस भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसके आंकड़े अभी आने बाकी है। पर अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर वन में जो कंपनी के पीएनबी ने अपने फ्रेश लीकेजेस अराउंड 7535 करोड़ का दिखाया था, ऐसा लगता है कि इस बार के स्लिपेजेस काफी कम आ सकते हैं पीएनबी के, तो देखना होगा कि स्लिपेजेस में क्या पोजीशन रहती है। अच्छा। उसके बाद ही पीएनबी पे कुछ मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अंचल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद है। अंचल, स्लिपेजेस के बारे में बार बार डिस्कशन हो रही है, आंकड़ा अहम है क्या आपके पास अभी, आ गया क्या आंकड़ा? देखिए एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं आया स्लिपेजेस की थी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज रजत आपको बताऊंगा, जो कंपनी ने अपनी रिजल्ट्स पोस्ट की हैं जो पीएल है उसमें एक चीज बहुत अच्छी है,
नॉर्मली होता क्या है, बैंकों के एनपीए इसलिए भी इंप्रूव हो रहे थे बिकॉज ए कैलकुलेशन चेंज हो रहा था, आपके एडवांसेस बढ़ रहे थे उतना आपके एनपीए और लोन्स नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन पीएनबी के केस में अच्छी चीज ये है, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स ग्रॉस और नेट एनपीएस को कंपेयर करें तो ग्रॉस एनपीएस में ऑलमोस्ट 600 करोड़ का डिप आया है, और वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि ग्रॉस एनपीए एज अ सेगमेंट इटसेल्फ वो करेक्ट हुआ। ये सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज नहीं है ग्रॉस एनपीए में, एक परसेंटेज इंप्रूवमेंट नहीं है, जो एक्चुअल वैल्यू भी है ग्रॉस एनपीए की वो कम हुई है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा इंडिकेशन देता है रजत गोइंग अहेड शायद अब चीजें वापस से सुधरती हुई दिख रही है। अच्छा, साथ ही जो इन्होंने टोटल प्रोविजनिंग की है रजत, आप टोटल आंकड़ा देखिए, 2600 करोड़ का जो टोटल आंकड़ा है, 2600 करोड़ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के लिए रखे हैं, जबकि कुल 2440 करोड़ की प्रोविजनिंग है, यानी इनको जो पिछली की हुई प्रोविजनिंग थी उसमें से कुछ रकम वापस मिली है, कुछ अकाउंट जो इनएक्टिव हो गए थे वो एक्टिव हुए हैं। तो वो एक और अच्छी खबर है बैंक के लिए कि अगर पुराने अकाउंट से रिकवरी वापस से इंप्रूव हो रही है, वापस से रिकवरी शुरू हो रही है, वो एक अच्छा ट्रिगर है। चलिए अविनाश आप बताएं टारगेट पीएनबी के अब नेक्स्ट क्या होंगे, अभी भी 3.5% ऊपर है। अविनाश सुन पा रहे हैं? संजीव जी आपके हिसाब से फेयर वैल्यू क्या होगी स्टॉक की? देखिए रजत जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लाइक जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि लाइक ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा काफी अच्छा है और प्रोविजनिंग को देख के भी ऐसा लगता है कि यानी एनपीए में काफी सुधार आया है। तो यहाँ पर प्राइमा से नंबर को देख के ऐसा लगता है कि स्टॉक में 10-15% की री रेटिंग होनी चाहिए, पर नंबर्स और भी आने बाकी है, तो देखना होगा कि क्या नीम सब फेस किया है पीएनबी ने। पर एक बात पीएनबी के लिए एक पॉजिटिव ये है कि आप अगर क्वार्टर वन का फिगर देखोगे तो पीएनबी का अराउंड 16% टोटल एडवांस का 16% पीएनबी का लोन एक्सपोजर है, जिसमें पावर में 8%, टेलीकॉम में 3% और रोड एंड पोर्ट में 4% है। अब देखिए ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और पावर सेक्टर में जो गवर्नमेंट का फोकस है, तो पीएनबी जैसी बैंकों को आगे चल के गोइंग फॉरवर्ड लाभ होगा। तो ओवरऑल में रिजल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक पे अपना रिएक्शन देने के लिए। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग जो मुनाफा है उसमें 18% की डीग्रोथ देखने को मिलेगी, -18% का अनुमान था और मुनाफा सालाना बेसिस पे बढ़ा है, तो वो एक ट्रिगर बन रहा है स्टॉक के लिए। 3.5% यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग मूव 140 दौड़ता ये स्टॉक अब 204 पे पहुंच चुका है, अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन मार्केट्स देखिए आज देखिए नए स्तरों पर तो है, लेकिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कोई बड़ी पोजीशंस तो ट्रेडर ने बनाई नहीं। खासतौर से आज जो तेजी देखने को मिल रही है उसमें कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स जो हैं वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं यहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। मेरे साथ समीर चवन साहब इसमें मौजूद हैं। समीर जी नमस्कार, कैसा लग रहा है बाजार अभी आपको? देखिए रजत, मार्केट में हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल अपमूव आ रही है और निफ्टी क्लियरली न्यू हाइज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसे कोई रिवर्सल साइज नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी को एटलीस्ट 10,480 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट एटलीस्ट वहां तक हम पॉजिटिव बायस तो ये कंटिन्यू होते देख सकते हैं। इंडेक्स में अगर कोई भी ट्रेड करना है तो हमारा ख्याल है कि बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिलेगा, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। सो माइनर डिप्स आती है -40-50 पॉइंट का, तो बैंक निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 25,400 का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उसके नीचे एक 10 पॉइंट आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट करेगा टुवर्ड्स 25,600-25,650। साथ ही साथ निफ्टी बैंक पे भी एक बार रिएक्शन दीजिए, आज तेजी और बढ़ेगी क्या? देखिए रजत, जस्ट मैंने बैंक निफ्टी के बारे में ही डिस्कस किया, हमें लगता है कि यस पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रहेगी एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके राइट, मेरे साथ इस समय अलग अलग जानकार जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बाजार पे और कौन से स्टॉक को खरीदा जा सकता है। रोहित सिंगरे साहब मेरे साथ मौजूद है। रोहित जी, एक स्टॉक बताइए सर जहां पर पैसा बनेगा शॉर्ट टर्म में। सर जी, आई थिंक कैस्ट्रॉल इंडिया मुझे ऐसे काफी अच्छा लग रहा है, अगर कल के चार्ट देखे तो हम लोग को एक चार्ट पे फ्लैग ब्रेकआउट हम लोग को दिखे थे बुलिश फ्लैग, आई थिंक मोमेंटम इंटैक्ट है। आज भी हम लोग ने देखा है कि 1-1.5% की तेजी स्टॉक के अंदर है, आई थिंक यहाँ पर एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉक लॉस जो रहेगा आपको 405 के मेंटेन करके चलना है, टारगेट इसके अंदर करीब करीब 430 के निकल के आ रहे हैं। अच्छा चल, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये स्टॉक आप रेडार पर रखें, अच्छी तेजी बन सकती है। कैस्ट्रॉल यहाँ पर राय पॉजिटिव है, तेजी इस स्टॉक पे देखने को मिल सकती है, टारगेट है 430, स्टॉप लॉस 405 का एक लगाकर चलना होगा। विकास सलोंके साहब मेरे सर से मौजूद है। विकास जी नमस्कार।
सर स्टॉक बताएं जहां पर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जहां पर आपने क्लाइंट्स को एडवाइस दी है पोजीशंस बनाने की। अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में केटीके बैंक आज स्ट्रॉन्ग रहा है, और उसका अगर कैंडल भी देखोगे फर्स्ट हाफ का वो भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिखा है। तो हमने हमारे क्लाइंट को दो दिन पहले भी रिकमेंड किया और आज भी रिकमेंड कर रहे हैं 178 के आसपास एक टारगेट यहाँ पे बनाया जा सकता है अपसाइड में। नीचे में 162-160 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है, तो ये एक हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया। और आई टी पे इसमें हमने JPITL के यहाँ पे मिड कैप में एक रिकमेंड कर रहे कि यहाँ से नया ब्रेकआउट कर सकते हैं। चलिए कर्नाटका बैंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में अच्छी एक्युमुलेशन हुई है इस स्टॉक को, इसको इसमें रडार पर रखें। इस समय बैंकिंग की काफी फेवरेट सेक्टर निकल के आए, निर्मल बैंक के रडार पर है कर्नाटका बैंक, 178 का टारगेट है, 162 का एक स्टॉप लॉस। और दूसरा हमने नोट कर लिया कैस्ट्रॉल जिसमें तेजी बन सकती है।